नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फोर्थ चैप्टर यानी कि गतिमान आवेश और चुंबकत्व का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो 7 पार्ट में अपलोड किया था, जिससे कुछ लोगों को सभी पार्ट उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने 7 पार्टों को एक ही वीडियो में ऐड कर दिया है, जिससे आप लोगों को खोजने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन सभी वीडियो का PDF मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, वहाँ पर इनका PDF जो है वो 7 पार्ट में अपलोड है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उनका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इसमें चौथा लेसन गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इसमें पहला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो इसमें दिया गया कि किसी चुंबक के चारों ओर के उस क्षेत्र को जिसमें किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय सुई एक ही निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार इसमें यदि किसी चुंबक के समीप हम लोग एक छोटी चुंबकीय सुई रख दें, तो यह देखते हैं कि थोड़ी देर घूमने के बाद जो सुई होती है वो एक निश्चित दिशा में आकर रुक जाती है। निश्चित दिशा कौन सी होती है? उसकी उत्तर दक्षिण, यानी कि चुंबकीय सुई जो होती है वो हमेशा किस दिशा में ठहरती है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आकर ठहर जाती है। इसीलिए इसमें लिखा गया कि किसी चुंबक के चारों ओर के उस क्षेत्र को जिसमें किसी बिंदु पर स्थित चुंबकीय सुई एक ही निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं। इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है, यानी कि ये रेखाएं जो है वो काल्पनिक होती है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया, ये एक चुंबक लिया गया है, इसके ध्रुव है नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो इसमें जो ये रेखाएं दिखाई दे रही इन्हीं को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, और ये रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत यानी कि लगातार प्रदर्शित करती रहती हैं। और इन रेखाओं के अगर किसी भी बिंदु पर, जो रेखाएं दी गई हैं अगर किसी भी बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दें, जैसे कि ये बिंदु ले लिया गया और अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा जो खींचेंगे ये उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और इन चुंबकीय बल रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, यानी कि कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कि ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं और फिर चुंबक के भीतर से होते हुए फिर वापस उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। इस प्रकार जो ये रेखाएं होती हैं एक वक्र बना देती हैं और इनका कभी भी अंत नहीं होता है। इसके अलावा ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये प्रतिच्छेदित कर देंगी तो फिर जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लो ये दो रेखाएं बना दें, अगर ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो इस बिंदु पर हम लोग एक इस पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा इस पर खींच सकते हैं। तो इस प्रकार जो कटान बिंदु होगा उस पर हमेशा दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इस प्रकार इस पर चुंबकीय क्षेत्र की जो है दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी, जो कि असंभव है। इसलिए ये बल रेखाएं जो होती हैं सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी कि काटती नहीं है। इसके अलावा जो चुंबकीय ध्रुव दिए गए यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, ध्रुवों के समीप जो होती है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बहुत प्रबल होता है, इसलिए ध्रुवों के समीप जो रेखाएं होती हैं वो पास पास होती हैं और दूर जाने पर जो है वो रेखाएं थोड़ा सा दूर हो जाती हैं, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कम प्रबल होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो घट जाती है ध्रुवों से दूर जाने पर। तो ध्रुवों पर जो चुंबकीय शक्ति है वो अधिक होती है और ध्रुवों से दूर जाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो घट जाती है, जिसके फलस्वरूप जो है चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर दूर दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी स्थान से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी अधिक होती है वह चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है। इसके बाद ओरस्टेड का प्रयोग,
और इसमें लिखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका कारण क्या होता है, वैद्युत धारा अर्थात गतिमान आवेश। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण जो है वैद्युत धारा और अर्थात गतिमान आवेश होता है। और यहाँ पे लिखा गया है ओरस्टेड का प्रयोग, यानी कि वैज्ञानिक है ये, इन्होंने एक प्रयोग किया था चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो ये वैज्ञानिक जो थे वो सन 1820 ईस्वी में डेनमार्क के वैज्ञानिक, यानी कि कहाँ के वैज्ञानिक थे, डेनमार्क के, ओरस्टेड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। डेनमार्क के वैज्ञानिक ओरस्टेड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वैद्युत धारा के इसी प्रभाव को जो है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसके बाद जो इन्होंने प्रयोग किया वो कैसे किया इसके बारे में बताया गया। तो प्रयोग इन्होंने किस प्रकार किया, तो वैद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति स्पष्ट करने के लिए एक सेल तथा एक कुंजी के को एक चालक तार PQ से संबंधित किया गया है तथा चालक के समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई है। यहाँ पर देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर एक चालक तार लिया गया है PQ, इसमें एक सेल लिया गया है और एक कुंजी के ली गई है, और इस चालक तार के समीप एक चुंबकीय सुई रखी गई है। तो जब इतनी चीजें लेकर इस प्रयोग को करते हैं तो इस प्रयोग से निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला दिया गया है कि जब तक चालक PQ में धारा प्रवाहित नहीं की जाती है तब तक चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है। यानी कि जो ये चालक तार PQ लिया गया है, जब तक इसमें हम लोग धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तब तक चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि जब धारा प्रवाहित नहीं हुई तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया कि जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं वैसे ही चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यानी कि जैसे ही हम लोग इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते ही जो चुंबकीय सुई दी गई है उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो विक्षेप उत्पन्न होने से स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करते ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, तभी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो गया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया गया कि धारा की प्रबलता बढ़ाने पर विक्षेप में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जो धारा प्रवाहित की जा रही है अगर उसका मान बढ़ा दिया जाता है तो जो चुंबकीय सुई दी गई है उसमें जो विक्षेप होता है उसके मान में वृद्धि हो जाती है। इसके बाद अगला दिया कि सेल की ध्रुवता बदलने पर विक्षेप विपरीत दिशा में होने लगता है, अतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। यानी कि इसमें यह बताया गया कि जो सेल के ध्रुव दिए गए हैं यानी कि ये प्लस और माइनस, अगर इन दोनों को बदल दिया जाए तो जो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रहा था उसकी दिशा जो है वो विपरीत हो जाएगी, वो विपरीत दिशा में उत्पन्न होने लगेगा। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। तो इसमें पहला दिया गया है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण के लिए पहला दिया गया कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। तो इसमें दिया गया कि यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा धारा अथवा धनावेश की गति की दिशा तथा चारों उंगलियां अभीष्ट बिंदु की ओर संकेत करें तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो चित्र बनाया गया है इसमें जो ये दिखाई गई तीर, इसमें ये धारा की दिशा हो जाएगी यानी कि I। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि यदि हम अपने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा में रहे, अंगूठा जो रहेगा वो धारा की दिशा में रहेगा, और चारों उंगलियां जो है एक अभीष्ट बिंदु की ओर। तो यहाँ पर दो बिंदु बनाए गए हैं, एक P और Q। तो अभीष्ट बिंदु P भी ले सकते हैं और अभीष्ट बिंदु Q भी लिया जा सकता है। तो एक अभीष्ट बिंदु की ओर संकेत करती है, तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जैसे धारा की दिशा दी गई, तो अगर हम लोग हाथ को ऐसे फैला लें जैसे दिखाया जा रहा है, तो अगर इस प्रकार हम लोग हाथ को फैला लेंगे
तो इस प्रकार करने पर जो अंगूठा है ये धारा की दिशा में रहेगा और जो चारों उंगलियां हैं वो बिंदु क्यू की ओर संकेत करेंगी। तो अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में और चारों उंगलियां अभीष्ट बिंदु की ओर संकेत करें, तो हथेली से धक्का देने की दिशा, जैसे मैं इस प्रकार धक्का दूंगा तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब इसके बाद इसके कुछ मुख्य पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, एक ये गोल आकार बनाया गया और इसमें एक डॉट रखा गया, और इधर ये एक गोल आकार बनाया गया इसमें क्रॉस रखा गया, तो ये दोनों चिन्ह जो है दिशा को प्रदर्शित करेंगे। जैसे भी मैंने बताया था कि आप अभीष्ट बिंदु अगर क्यू लेंगे तो अभीष्ट बिंदु क्यू लेने पर हथेली को ऐसे करते हैं, अगर अभीष्ट बिंदु आपने पी लिया तो फिर हथेली को ऐसे करना है। अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को बताएगा और चारों उंगलियां जो है वो पी की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो ये क्रॉस जो है ये प्रदर्शित करता है, तो ये चिन्ह जो है ये प्रदर्शित करता है कि जो दिशा है वो कागज के तल में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, यानी कि अगर हम लोग बिंदु पी की ओर उंगलियां और धारा की दिशा में अंगूठा करके धक्का देंगे तो उस समय जो धक्का देने की दिशा होगी वो नीचे की ओर होगी। तो ये चिन्ह ये प्रदर्शित करता है यहाँ पर जो धक्का देने की दिशा है वो कागज के तल में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है। और जो ये चिन्ह दिया गया है यानी कि ये पॉइंट दिया गया है ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, यानी कि अगर हम लोग क्यू की ओर उंगलियां और आई की दिशा में धारा कर अंगूठा करके धक्का देंगे तो उस समय जो हथेली से धक्का देने की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो याद रखना, अगर ऐसा पॉइंट लगाए तो इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, और अगर क्रॉस जैसा पॉइंट दिखा तो इसका मतलब है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हथेली से धक्का देने की दिशा है वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, चारों उंगलियां जो है एक बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं, और जो अंगूठे की दिशा है वो धारा की दिशा में दी गई है। तो इस समय जो हथेली की दिशा होगी यानी कि ऊपर की ओर जब धक्का देने की दिशा होगी तो वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो बी दिया गया है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। इसके बाद दूसरा है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम, यानी कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इसमें दिया गया है कि किसी पेचकश को दाहिने हाथ में लेकर चारों उंगलियों तथा अंगूठे की सहायता से इस प्रकार घुमाएं कि पेचकश की नोक प्रवाहित धारा की दिशा में चले, तो अंगूठे की गति की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग ये पेचकश यानी कि ये प्रवाहित धारा की दिशा है, तो आपको पेचकश की नोक जो है वो प्रवाहित धारा की दिशा में रखना है। तो पेचकश को हम लोगों को इस प्रकार पकड़ना है कि जो पेचकश की नोक होगी वो धारा की दिशा में, जैसे यहाँ पे हमने धारा की दिशा ऊपर की ओर दिखाई है, तो पेचकश को आपको इस प्रकार दाहिने हाथ में पकड़ना है कि पेचकश की नोक जो होगी वो धारा की दिशा में होगी। तो धारा की दिशा में होने पर जब हम लोग इसको उंगलियों की सहायता और अंगूठे की सहायता से घुमाएंगे, तो ध्यान दीजिए जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, तो इस समय अंगूठा जिस दिशा में गति कर रहा है तो अंगूठे की जो गति की दिशा होती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यही इसमें दिया गया था कि किसी पेचकश को दाहिने हाथ में लेकर चारों उंगलियों तथा अंगूठे की सहायता से इस प्रकार घुमाए कि पेचकश की नोक जो है प्रवाहित धारा की दिशा में चले, तो अंगूठे की गति की दिशा जो होती है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो याद रखना है आपको पेचकश को इस प्रकार पकड़ना है, तो पेचकश की नोक जो होगी वो धारा की दिशा में होगी, और जब आप इसको घुमाएंगे तो उस समय जिस समय अंगूठा गति करता है तो अंगूठे की जो गति की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की दिशा होगी वो बल रेखाओं की दिशा ऐसे होगी। तो जैसा भी आपको इसके पहले वाले नियम में बताया गया था कि कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर पेचकश की नोक को धारा की दिशा में रखें लेकिन इसको इस प्रकार घुमाएं, तो इस समय ध्यान दीजिए अंगूठे की गति की दिशा जो है वो बदल जाएगी। तो इस समय जो चुंबकीय बल रेखाएं आप बनाएंगे वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा फिर ऐसे हो जाएगी।
तो याद रखना जैसे उसमें बताया गया था ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, उसी तरह इसमें भी इसकी दो दिशाएं प्रदर्शित हो सकती हैं। बायो सेवर्ट का नियम, ये टॉपिक बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि ये बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक बार आया है और आता रहेगा। तो ये टॉपिक जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो पहले इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें यहाँ पर ये एक फिगर बनाया गया है, इसमें ये एक चालक लिया गया है और इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है आई, और इस चालक पर एक अल्पांश, अल्पांश का मतलब पूरा ये चालक लिया गया है, इस चालक में एक अल्प क्षेत्र लिया गया यानी कि थोड़ा सा भाग लिया गया, बहुत कम, तो उसको बोलते हैं अल्पांश, और उसको लिखा जाता है डेल्टा एल, यानी कि इस पूरी लंबाई से एक अल्प भाग लिया गया है लंबाई का, उसको लिखा गया है डेल्टा एल से, इसको बोलते हैं अल्पांश। यहाँ पर बिंदु लिया गया है ओ, और हम लोगों को इस बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी, यानी कि जो बिंदु ओ लिया गया है वो चालक पर है, हम लोगों को इस चालक के बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है आई, और जिस बिंदु पर हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके बीच का जो कोण दिया गया है वो दिया गया है थीटा। तो इसमें सबसे पहले तो जो इस फिगर में दिया गया है वही आपको मानना है। इसमें हम लोग लिखेंगे कि माना किसी चालक में आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, चालक पर एक अल्पांश डेल्टा एल लिया गया है, अल्पांश के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है, और ये चीज आपको इसी फिगर के अनुसार लिखना है। इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो है आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और चालक के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित जो बिंदु पी है इस पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। इसके बाद लिखा गया है अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लिखा गया है डेल्टा बी, डेल्टा बी का मतलब यहां समझ लेना कि आप अल्पांश डेल्टा एल यानी कि संपूर्ण चालक के कारण नहीं लिखा जा रहा है, ये डेल्टा बी जो लिखा गया है वो अल्पांश भाग के कारण लिखा जा रहा है, इसलिए इसको लिखा गया है डेल्टा बी। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अग्रलिखित, अग्रलिखित का मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस फिगर के अनुसार वो किस किस पर निर्भर करती है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि डेल्टा बी होगी वो निर्भर करेगी चालक में प्रवाहित धारा पर, यानी कि आप लिख सकते हो कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो चालक में प्रवाहित धारा आई पर निर्भर करती है। इसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी कि डेल्टा बी वो निर्भर करेगी डेल्टा एल पर, यानी कि जो अल्पांश क्षेत्र लिया गया है उस पर भी निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यानी कि डेल्टा बी वो निर्भर करती है धारा और जो बिंदु लिया गया पी इसके बीच का जो कोण बनता है यानी कि साइन थीटा, तो उस कोण पर भी निर्भर करती है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह लिखा गया था कि अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु पी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है। तो ये चीज आपको समझना है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा पर निर्भर करती है। इसके बाद दूसरा है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश पर निर्भर करती है। इसके बाद डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी कि धारा और जो बिंदु लिया गया उसके बीच के कोण पर निर्भर करती है। इसके बाद डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसका मतलब होता है कि तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे पहला समीकरण, इसको मान लेंगे दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा समीकरण और ये हो जाएगा चौथा समीकरण। तो ये यहाँ पर चार समीकरण प्राप्त हो गए हैं। तो अब लिखा गया चारों समीकरणों को संयुक्त करने पर, संयुक्त का मतलब आपको इनको मिला के लिखना है, जोड़ना नहीं है,
तो ध्यान दीजिए कैसे मिला के लिखना है आपको, इसको आप लिखेंगे डेल्टा बी, एलएचएस साइड में सब में डेल्टा बी दिया गया था, ये हो जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई, फिर डेल्टा एल, उसके बाद साइन थीटा, और बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो जब आप मिला के इसको लिख देंगे तो ये फिर बन जाएगा डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर। तो ये जो संबंध आया है, यही संबंध जो है वो बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। इसके बाद यदि चालक वायु या निर्वात में रखा गया है, यानी कि जो चालक लिया गया था अगर इसको वायु या निर्वात में रखा जाता है, तो यहां पर जो दिया गया था डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। तो जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहां पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लग जाता है, तो ये सूत्र बन जाता है फिर डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बट्टे फोर पाई फिर आई डेल्टा एल साइन थीटा और बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहां पर ये म्यू जीरो बट्टे फोर पाई जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इसमें ये म्यू जीरो बट्टे फोर पाई जो दिया गया है ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसके अलावा यहां पर ध्यान दीजिए आया म्यू जीरो, तो म्यू जीरो को बोलते हैं वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। इसके पहले आपको जब वैद्युत पढ़ाया गया था तो उसमें एक बताया गया था एप्सिलॉन जीरो, उसमें उसको बोलते थे वायु निर्वात की विद्युतशीलता, और यहां पर एप्सिलॉन जीरो की जगह पे आया है म्यू जीरो, और इसको बोलते हैं वायु निर्वात की चुंबकशीलता। यहाँ पे म्यू जीरो बट्टे फोर पाई जो आया है इसका मान होता है 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहां पर जिन लोगों ने ये सूत्र निकाला है, ये सूत्र जो है अल्पांश क्षेत्र के कारण निकाला गया, यानी कि डेल्टा एल के कारण। अगर हम लोग संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसको लिखेंगे कैपिटल बी से, अभी बताया था ये अल्पांश भाग के कारण है इसलिए इसको लिखा गया डेल्टा बी। तो जब संपूर्ण चालक के कारण निकालेंगे यानी कि पूरे चालक के कारण, तो उसको लिखेंगे हम लोग कैपिटल बी से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेंगे फिर कैपिटल बी से। इसके बाद लिखा है अब संपूर्ण धारावाही चालक के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अगर संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसके लिए आपको लिखना है बी बराबर सिग्मा डेल्टा बी, ये हो जाएगा, यानी कि जो अल्प भाग के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी उसके आगे लग जाएगा सिग्मा, सिग्मा के मान द्वारा सभी पदों का बीजगणितीय योग। तो यहां पर संपूर्ण भाग का निकालने के लिए इसको लिखेंगे फिर सिग्मा डेल्टा बी, यहां पर जो डेल्टा बी होता है वो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसके बाद अब मात्रक, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अगर मात्रक लिखेंगे हम लोग, तो यहां पर जो मात्रक लिखे जा रहे हैं वो कैपिटल बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के हैं, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये ध्यान दीजिएगा इसको लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके अलावा दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या फिर केवल लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद दूसरा हो जाएगा फिर एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप केवल लिख सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसका एक और मात्रक होता है टेस्ला, इसको बोलते हैं टेस्ला, या फिर इसके अलावा भी एक मात्रक होता है जिसको लिखते हैं 10^4 गॉस। तो याद रखिएगा एक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बराबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर टेस्ला, और इसके बराबर होता है 10^4 गॉस। ये सभी जो मात्रक होंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है वायु या निर्वात की चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो में संबंध, यानी कि जो वैद्युत चैप्टर पढ़ाया गया था उसमें थी आपकी विद्युतशीलता जिसको लिखा जाता था एप्सिलॉन जीरो से, और यहां पर चुंबक में दी गई है चुंबकशीलता, तो इन दोनों में क्या संबंध है, ये क्वेश्चन भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें ध्यान दीजिए अभी आज आपको बताया गया म्यू जीरो बट्टे फोर पाई, इसका मान होता है 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर।
ये होता है, अगर यहाँ से हम लोग म्यू जीरो का मान ज्ञात करें, यानी कि म्यू जीरो ज्ञात करेंगे तो 4 पाई इधर गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10^-7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसके पहले जब आपको वैद्युत पढ़ाया गया था तो वहां पे बताया गया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान होता था 9×10^9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान होता था। अगर यहां से हम लोग एप्सिलॉन 0 ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए, जब यहां से आप एप्सिलॉन 0 ज्ञात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0, ये गुणे में जाएगा, बाकी की ये संख्या इधर बट्टे में आएगी, तो ये हो जाएगा फिर एप्सिलॉन 0 बराबर 1/, यहाँ पे बट्टे में पहले से ही दिया गया है 4 पाई, इसके अलावा इंटू में हो जाएगा 9×10^9, इतना हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम लोग ये मात्रक लिखेंगे तो ध्यान दीजिए मात्रक भी इधर आएगा तो प्लेट के ऊपर आएगा, तो कूलाम जो बट्टे में दिया गया था ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहां पर हम लोग समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे, तो जब समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये हो जाएगा फिर म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0, दोनों का गुणा किया गया तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर, यहां पर दिया गया है आपको 4 पाई इंटू 10^-7 न्यूटन और प्रति में दिया गया है एम्पियर स्क्वायर, ये मान हो गया म्यू जीरो का। इसके बाद फिर इंटू में लिखेंगे एप्सिलॉन 0 का मान, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई, इसके बाद इंटू में हो जाएगा 9×10^9, इतना हुआ। इसके बाद इसका जो मात्रक था वो था कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद यहां पर ये 4 पाई से 4 पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये लिखेंगे आप म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर, यहां पर ये ऊपर लिखा जाएगा 1, फिर बट्टे में हो जाएगा 9×10^9, ये 9 दिया गया और ये माइनस का 7 दिया गया, जब इसको हम लोग बट्टे में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये 9 7 मिलके हो जाएगा 16, इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मात्रक में ध्यान दीजिए, ये न्यूटन से न्यूटन तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा कूलाम स्क्वायर और बट्टे में आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखेंगे आप म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर 1/, इसको आप लिखेंगे 3×10^8 का होल स्क्वायर, अगर वर्क करेंगे तो यही संख्या आएगी 3×3 9 और ये हो जाएगा 8×2 16, तो 10^16 हो जाएगा। इसके बाद कूलाम स्क्वायर दिया गया तो आप कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, कूलाम होता है एम्पियर सेकेंड, बट्टे में पहले से दिया गया आपको एम्पियर मीटर, यहाँ पे स्क्वायर लगा तो हम पूरे पे एक साथ लगा देंगे होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना। आप लोग कूलाम को लिखते हैं एम्पियर सेकेंड, बाकी पहले से ही दिया गया यहाँ पर एम्पियर मीटर, तो यहाँ पर एम्पियर से एम्पियर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर ये हो जाएगा म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर, इसके बाद ये हो जाएगा फिर 1/3×10^8, ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है, अगर आप ये सेकंड इधर लेके आएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर लगा इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा 1/, ये याद होगा आपको प्रकाश की चाल होती है, यानी कि सी का जो मान होता है प्रकाश की चाल का 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होता है, तो यहां पर लिखेंगे स्मॉल सी जो कि प्रकाश की चाल होती है, स्क्वायर लगा इसलिए यहां पर स्क्वायर लग जाएगा, तो म्यू जीरो इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर आया 1/c². अगर यहां से हम लोग सी स्क्वायर निकालेंगे तो ये इधर बट्टे में आ जाएगा, 1/ में आ जाएगा म्यू जीरो और एप्सिलॉन 0, इतना हो जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ जो है अंडर रूट लग जाता है, यानी कि ये आएगा फिर सी बराबर
वन बट्टे अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। तो म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में यही संबंध होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आप इधर गुणा कर दीजिए तो फिर ये आ जाएगा अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा वन बट्टे सी। तो ये चुंबकशीलता और विद्युतशीलता में संबंध होता है। ये टॉपिक भी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वृत्ताकार जो धारावाही कुंडली होती है उसके केंद्र पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जैसा कि फिगर में यहाँ पर देखिए, ये एक वृत्ताकार कुंडली ली गई है। इस वृत्ताकार कुंडली में ध्यान दीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें भी आपको अल्पांश के कारण निकालना, जैसे अभी बायो सेवर्ट में नियम में अल्पांश का प्रयोग किया गया था, उसी तरह यहाँ पे भी पूरी धारावाही कुंडली के कारण पहले नहीं निकालना, पहले आपको एक अल्पांश डेल्टा एल लिया गया। इसके कारण हम लोग बिंदु ओ यानी कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ से इसकी दूरी जो होगी वो आर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्रॉस बना है, क्रॉस का निशान कल हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था इसके पहले कि क्रॉस का निशान का मतलब होता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, इतना हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे कि इसमें जो है आर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, यानी कि जो ये कुंडली बनाई गई है इसकी त्रिज्या कितनी है आर। तो इसमें जो है तार को आर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर इसमें जो है आई धारा प्रवाहित की जाती है और हम लोगों को इसके केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें यह लिखा गया कि माना किसी तार को आर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़कर उसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। हमें इस कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि जो इस कुंडली का केंद्र दिया है इस पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखा गया है अल्पांश डेल्टा एल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम लोग अल्पांश के कारण ज्ञात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र हो जाएगा फिर डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बट्टे फोर पाई, इसके अलावा हो जाएगा आई डेल्टा एल साइन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए भी बायो सेवर्ट के नियम यहाँ पे साइन थीटा लिखा गया था, तो उस समय धारा और जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे थे उसके बीच का कोण थीटा था। यहाँ पर इसके बीच का जो कोण होगा अल्पांश और इसके बीच का वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये कोण आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पर थीटा माना गया था, यहाँ पर ये इस पर अल्पांश जो दिया जाएगा इसके कारण इस पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री प्रयोग करेंगे। इसके अलावा फिर ये आ जाएगा डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो बट्टे फोर पाई इंटू आई डेल्टा एल और बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पे जो 90 अंश दिया गया इसका मान 1 हो जाएगा, तो साइन 90 का मान जब 1 करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद दिया गया है अब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। अभी तक हम लोगों ने अल्पांश के कारण निकाला है, अब पूरी कुंडली के कारण जब निकालेंगे तो फिर इसको लिखेंगे बी बराबर सिग्मा डेल्टा बी। अभी आपको बायो सेवर्ट के नियम में बताया गया था कि अल्पांश के कारण तीव्रता निकालते हैं तो उसको लिखते हैं डेल्टा बी, जो संपूर्ण के कारण निकालेंगे तो उसको लिखेंगे फिर सिग्मा डेल्टा बी। तो ध्यान दीजिए फिर ये हो जाएगा बी बराबर यहां पर लिखेंगे आप सिग्मा डेल्टा बी का मान समीकरण एक से रखेंगे तो यहां पर इसका मान है म्यू जीरो बट्टे फोर पाई आई डेल्टा एल बट्टे आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये मान जो रखा गया ये कहां से रखा गया, ये समीकरण एक से रखा गया है मान। इसके बाद फिर इसको लिखेंगे बी बराबर यहां पे म्यू जीरो बट्टे फोर पाई इंटू आई बट्टे आर स्क्वायर और इसको फिर लिखेंगे सिग्मा डेल्टा एल, बाकी की जो राशियां हैं वो आपको सिग्मा से बाहर कर देना, यहाँ पे लिखना है सिग्मा डेल्टा एल। और सिग्मा डेल्टा एल जो होता है उसका मान होता है 2πr। देखो तो सिग्मा का मतलब बताया था कि सभी पदों का बीजगणितीय योग। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस कुंडली में ध्यान दें तो ये कुंडली जो है वृत्ताकार ली गई, इसमें अल्प भाग के कारण लिया गया, जब संपूर्ण के कारण लेंगे तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा, यानी कि वृत्त और इसकी परिधि होती है
टू पाई आर, तो इसका पूरे का योग हो जाएगा फिर टू पाई आर, इसीलिए यहाँ पे सिग्मा डेल्टा एल का मान जो होगा वो हो जाएगा टू पाई आर। तो जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा फिर बी बराबर म्यू जीरो बट्टे फोर पाई इंटू आई बट्टे आर स्क्वायर, और सिग्मा डेल्टा एल की जगह पे हो जाएगा टू पाई आर। तो यहाँ पर जो है आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और दो से चार काट देंगे आप, तो फिर ये आएगा बी बराबर म्यू जीरो आई और बट्टे में हो जाएगा टू आर, इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा फिर दो दूनी चार, तो ये आ जाएगा टू आर। तो ये आ गई संपूर्ण धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो, यानी कि जो कुंडली में फेरे दिए गए उनकी संख्या अगर एन होती है, तो फिर इस सूत्र को लिखा जाएगा बी बराबर म्यू जीरो कैपिटल एन आई बटे टू आर, यानी कि जितनी फेरों की संख्या होगी वो इसमें आपको गुणा कर देना है। तो ये बन गया है फिर म्यू जीरो एन आई बटे टू आर। लारेंज बल, यानी कि लारेंज बल किसे कहते हैं, तो इसमें दिया गया कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल को लारेंज बल कहते हैं। यानी कि जब कोई भी कण आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो चुंबकीय बल आरोपित होता है उसी चुंबकीय बल को लारेंज बल कहते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया कि माना क्यू परिमाण का कोई धनावेश कण, यानी कि जो आवेशित कण है उसका परिमाण है क्यू, वो वी वेग से एक्स अक्ष की धन दिशा में गतिशील है, उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी धन वाई अक्ष के अनुदिश है, इस गतिशील आवेशित कण पर आरोपित लारेंज बल एफ अग्रलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। यानी कि इस गतिशील कण पर जो लारेंज बल आरोपित हो रहा है वो किन किन राशियों पर निर्भर हो रहा है ये ध्यान दीजिएगा। तो लारेंज बल जो होता है वो एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी कि लारेंज बल जो है वो आवेशित कण जो होता है उसके आवेश पर निर्भर करता है, पहला कंडीशन। और उसके बाद दूसरा, आवेशित जो बल होता है लारेंज वो आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है, यानी कि वो किस वेग से गति कर रहा है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण एक और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दो। इसके बाद दिया गया कि दोनों समीकरणों को संयुक्त करने पर, यानी कि इन दोनों समीकरण को एक साथ मिला के लिखना है, जोड़ना नहीं है, याद ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जब संयुक्त करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू और इंटू में हो जाएगा वी, तो ये आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी। तो इसको हम लोग लिखेंगे फिर एफ बराबर, तो यहाँ पर जो अनुक्रमानुपाती मान जुड़ता है वो होता है कैपिटल बी, तो ये बन जाएगा फिर एफ बराबर बी क्यू और वी, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर यदि गति की दिशा बी से, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र से, थीटा कोण बनाए तो कण पर आरोपित लारेंज बल, यानी कि यहाँ पर ये कोण अब की बार मान लिया गया कितना बना रहा है कि जो कण गति कर रहा है वो थीटा कोण पर गति कर रहा है, तो अगर वो थीटा कोण पर गति करेगा तो उसका जो घटक होगा एक वी कॉस थीटा और दूसरा घटक जो होगा वो होगा वी कॉस थीटा, इतना हो जाएगा, ये वी साइन थीटा और ये वाला घटक वी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब हम लोग बल लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा एफ बराबर क्यू, अब की बार यहाँ पर वेग का जो है ये घटक प्रयोग होगा, यानी कि v की जगह पे हम लोग लिखेंगे v साइन थीटा, तो यहाँ पर v की जगह पे हो जाएगा v साइन थीटा, इतना हो जाएगा और इनटू में हो जाएगा b, तो फिर ये हो जाएगा f बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये आरोपित लारेंज बल का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है आवेशित कण किस प्रकार गति करता है उसके बारे में। तो पहली कंडीशन है इसमें कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, ये बताया जा रहा है कि जो आवेशित कण है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो समांतर को यहाँ पे लिखा गया है वी समांतर बी, यानी कि जो उसका वेग है वो समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के। तो समांतर के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये दिया गया आपका चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, अगर कोई कण
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वी वेग से प्रवेश करता है और उसके समांतर भी है, तो वी वेग से प्रवेश कर रहा है और अगर समांतर है तो उस समय जो कोण बनता है उसके बीच का वो होता है थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर दोनों की दिशा सेम है तब। लेकिन अगर चुंबकीय क्षेत्र आपका दिया गया है बी और जो कण प्रवेश कर रहा है वो विपरीत दिशा से आ रहा है लेकिन समांतर है, तो विपरीत दिशा से आने पर उसका कोण जो होता है वो होता है फिर 180 अंश। तो यहाँ पर समांतर होने पर ये दो कंडीशन लागू होंगी, या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 होगा। इसके अलावा अभी आपको लॉरेंज बल का सूत्र बताया गया था, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आप लिखेंगे साइन 0, तो फिर ये हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी बी साइन 0 का मान होता है 0 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि जो आरोपित बल है वो शून्य हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया कि अर्थात इस दशा में चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर F का मान जो हो गया वो शून्य हो गया। और शून्य क्यों हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री या फिर 180 अंश होगा, तो इसलिए इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। और जब आवेशित कण पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा तो फिर इस दशा में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इसके समांतर रिजरेखीय पथ पर गति करेगा। रिजरेखीय पथ का मतलब होता है एक सरल रेखा में गति करेगा, क्योंकि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी कि कण का जो पथ होगा वो रिजरेखीय होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि कंडीशन नंबर 2, इसमें दिया गया कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, तो यानी कि जो आवेशित कण है अब की बार वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो लंबवत के लिए लिखा गया यहाँ पे वी लंब बी, यानी कि जो आवेशित कण का वेग है वो लंब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, तो अब की बार दोनों जो है लंबवत हैं। तो इसमें लिखा गया कि माना किसी स्थान पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी कागज के तल में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कागज के तल में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, तो ये यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फिगर बनाया गया है। और इसमें जो एक क्रॉस चिन्ह बनाया गया है वो इसी के लिए बनाया गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। इसके बाद इसमें क्यू परिमाण का कोई धनावेशित कण वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कागज के तल में प्रवेश करता है। इसके बाद ये जो चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है इसमें कोई क्यू परिमाण का जो आवेशित कण है वो वी वेग से इसके लंबवत प्रवेश कर रहा है, तो जब लंबवत प्रवेश करता है तो दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार जो है आरोपित बल की दिशा वेग की दिशा के लंबवत प्राप्त होती है। तो जब कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो फिर उस समय दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार जो है आरोपित बल की दिशा जो है वो वेग की दिशा के लंबवत प्राप्त होती है, जिससे कण का पथ जो होता है वो वृत्ताकार हो जाता है, यानी कि जो बल की दिशा है वो वेग की दिशा के लंबवत होने के कारण जो पथ होता है कण का वो वृत्ताकार हो जाता है। इसके बाद आगे लिखा गया कि कण को वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल से प्राप्त होता है, यानी कि जब कण का पथ जो है वो वृत्ताकार हो जाता है तो उस कण को वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करने के लिए जो है आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दिया गया कि आवश्यक अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल, यानी कि जो अभिकेंद्र बल है वो लॉरेंज बल के समान है। तो यहाँ पर वृत्तीय पथ की त्रिज्या हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होगा फिर एम वी स्क्वायर बट्टे आर बराबर, लॉरेंज बल का सूत्र अभी आपको बताया गया वो था क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है यहाँ पे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे वी से एक वी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा एम वी बट्टे आर बराबर इधर हो जाएगा क्यू बी साइन 90 का मान जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग स्मॉल आर का मान ज्ञात करेंगे तो स्मॉल आर इधर जाएगा और ये दोनों संख्याएं इधर बट्टे में आएंगी, तो ये हो जाएगा एम वी बट्टे क्यू बी, तो ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी। इसके बाद अतः परिक्रमण का आवर्तकाल, यानी कि जब वो परिक्रमा कर रहा है
आवेशित कण तो उसको कितना समय लगता है, यानी कि उसका आवर्तकाल बताना है। तो आवर्तकाल यानी कि लिखेंगे कैपिटल टी बराबर 2 पाई आर बटे वी। अब ध्यान दीजिए ये सूत्र कैसे बना है। आपका जो पथ है वो वृत्ति है, तो वृत्ति पथ में जो दूरी होगी वो उसकी परिधि होगी, परिधि यानी कि 2 पाई आर। तो इसीलिए यहाँ पे बना ये समय बराबर दूरी बटे चाल से। तो समय यानी कि आवर्तकाल हो गया, दूरी यानी कि उसकी परिधि हो गई, और चाल यानी कि आवेशित कण जिस वेग से प्रवेश करता है। तो ये हो गया टी बराबर 2 पाई आर बटे वी। इसके बाद ये हो जाएगा टी बराबर 2 पाई बटे वी। यहाँ पे स्मॉल आर का मान रखेंगे जो भी हम लोगों ने ज्ञात किया। ये हो जाएगा एम वी बट्टे क्यू बी, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर वी से वी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आएगा कैपिटल टी बराबर 2 पाई एम और बट्टे में हो जाएगा क्यू बी। ये आवर्तकाल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग आवृत्ति ज्ञात करें तो आवृत्ति के लिए ध्यान दीजिए सूत्र होता है एन बराबर 1 बट्टे टी। 1 बट्टे टी सूत्र होता है आवृत्ति का। तो अगर यहाँ से हम लोग आवृत्ति ज्ञात करेंगे तो ये 1 बट्टे टी रखेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा क्यू बी बट्टे 2 पाई एम। तो ये सूत्र जो होगा वो आवृत्ति का हो जाएगा। तो अब इस सूत्र को ध्यान दीजिए, इस सूत्र में कहीं भी वी नहीं बचा है, यानी कि इसमें बचा है 2 पाई एम बट्टे क्यू बी। इसका मतलब जो आवर्तकाल है वो वी पर निर्भर नहीं है, वी का मतलब कण के वेग पर निर्भर नहीं है। तो परिक्रमण काल जो होता है वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके अलावा हम लोगों ने जो त्रिज्या ज्ञात की थी उसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा था आर बराबर एम वी अपान क्यू बी। तो आर बराबर एम वी अपान क्यू बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो वी दिया गया है अगर वेग बढ़ाएंगे तो त्रिज्या जो है बढ़ती जाएगी, यानी कि जो कण जितना अधिक वेग से प्रवेश करेगा उसका वृत्ति पथ जो है उतना ही बड़ा होगा। इसको हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और जो ये आया है इसको ऐसे ही रखते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा गया जो भी हमने बताया कि उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है कि पथ का परिक्रमण काल कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल वी नहीं आया है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है, समीकरण 1 यानी कि जो भी आपको बताया गया था स्मॉल आर बराबर एम वी बटे क्यू बी। तो वही यहाँ पे लिखा गया कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि जो कण चुंबकीय क्षेत्र में अधिक वेग से प्रवेश करता है उसका वृत्ति पथ अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, यानी कि जो कण जितना अधिक वेग से प्रवेश करेगा उसका वृत्ति पथ जो होगा उतना ही बड़ा होगा। और आवेशित कण का जो परिक्रमण काल होता है यानी कि आवर्तकाल, वो कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, यानी कि पहली बार में समांतर था, दोबारा में लंबवत था, अब की बार तिरछा प्रवेश करता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने ये चित्र बनाया, तो चित्र में ध्यान दीजिए कि वो अब की बार थीटा कोण पर वी वेग से प्रवेश कर रहा है। तो थीटा कोण पर वी वेग से प्रवेश कर रहा है तो उस समय इसके दो घटक लिए गए, एक ये क्षैतिज घटक है वी कॉस थीटा और ये ऊर्ध्वाधर घटक है वी साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा कोण था इसीलिए इसी के दो वियोजन करने पर दो घटक प्राप्त हुए, एक वी कॉस थीटा और दूसरा वी साइन थीटा। तो इसमें लिखा गया कि चित्र से स्पष्ट है कि वेग का घटक वी कॉस थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण, ध्यान दीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र दिया गया और जो ये वी कॉस थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वी कॉस थीटा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण कण को रिजरेखीय पथ, यानी कि जो समांतर है तो इस कारण जो है ये कण को रिजरेखीय पथ यानी कि एक सरल रेखीय पथ प्रदान करता है। इसके साथ साथ जो घटक वी साइन थीटा है वो कण को वृत्ति अर्थात वृत्ताकार पथ प्रदान करेगा, क्योंकि ये लंबवत हो जाएगा तो लंबवत होने के कारण ये कण को वृत्ताकार पथ प्रदान करेगा। तो ध्यान दीजिए जो वी कॉस थीटा था वो उसको सरल रेखीय अनुरेखीय पथ प्रदान करता है और जो वी साइन थीटा है वो उसको वृत्ति पथ यानी कि वृत्ताकार पथ प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कण का पथ कुंडलिनी के आकार का अथवा सर्किलाकार हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इस चित्र बताया गया ये वृत्ताकार भी और रिजरेखीय पथ पर आगे गति भी कर रहा है, क्योंकि वी कॉस थीटा जो है
इसको सरल रेखी यानी कि रिजुरेखीय पथ प्रदान करता है, और जो वी साइन थीटा है इसको वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। तो ये दोनों घटक जो है इसको जो पथ प्रोवाइड करेंगे फिर वो बन जाएगा कुंडलिनी के आकार का अथवा सर्किलाकार होगा। इसके बाद वृत्ति पथ की त्रिज्या, अगर हम लोग यहाँ पे वृत्ति पथ की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो त्रिज्या का सूत्र भी आर बराबर लिखा गया था, आर बराबर एम वी। यहाँ पर वी चौथा की बार इसका ये घटक लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वी साइन थीटा और बटे में था क्यू बी, इतना हो जाएगा। तो ये त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। इसके बाद इसका हम लोग आवर्त काल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे फिर लिखेंगे आवर्त काल बराबर हो जाएगा आपकी बार यानी कि टी बराबर दूरी आपकी वही रहेगी वृत्ति पथ की यानी कि 2 पाई आर, और बट्टे में प्रयोग करते हैं यहाँ पे चाल, तो आपकी बार चाल जो होगी वो होगी वी साइन थीटा, तो ये उसकी चाल हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टी बराबर 2 पाई बट्टे वी साइन थीटा इंटू आर का मान लिखेंगे तो आर का मान हो जाएगा एम वी साइन थीटा बट्टे क्यू बी, इतना हो जाएगा। यहाँ पर वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा कैपिटल टी बराबर 2 पाई एम और बट्टे में हो जाएगा क्यू बी, तो ये उसका आवर्त काल हो जाएगा। इसके बाद दिया गया पिच, यानी कि पिच किसे कहते हैं, तो जो ये आवेशित कण इसमें वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था यानी कि कुंडलिनी के आकार पर गति करता है, एक घटक उसको वृत्ताकार पथ प्रोवाइड कर रहा था, दूसरा रिजरेखीय पथ प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें जो है जितनी दूरी यानी कि वृत्ताकार पथ में जितनी दूरी तय करता है वो वृत्ताकार पथ के लिए, उस दूरी को बोलते हैं क्षैतिज दूरी को पिच बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं परिभाषा में कि एक आवर्त काल में तय की गई क्षैतिज दूरी को पिच कहते हैं, यानी कि इसमें जितनी क्षैतिज दूरी तय होगी उस क्षैतिज दूरी को हम लोग बोलेंगे पिच। तो आवेशित कण जो होता है वो एक आवर्त काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसकी पिच कहते हैं, और इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र होता है पिच बराबर क्षैतिज वेग गुणे आवर्त काल, तो इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल पी से क्षैतिज वेग। तो क्षैतिज वेग यहाँ पर दिया गया था वी कॉस थीटा और इंटू में आवर्त काल हो जाएगा टी, इतना हो जाएगा। इसके बाद पी बराबर वी कॉस थीटा इंटू टी का मान जो भी हम लोगों ने ज्ञात किया है 2 पाई एम और बट्टे में हो जाएगा क्यू बी, इतना आएगा। तो इसको लिख सकते हैं फिर स्मॉल पी बराबर 2 पाई एम वी कॉस थीटा और बट्टे में हो जाएगा क्यू बी, तो ये पिच का सूत्र हो जाएगा। इसमें टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल का निर्धारण। तो आज हम लोग इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करेंगे। तो इसमें दिया गया है कि जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके समस्त चालक इलेक्ट्रॉनों पर एक लारेंज बल आरोपित होने लगता है। इन सभी सूक्ष्म स्तरीय बलों का परिणामी उस चालक पर आरोपित होने वाले स्थूल स्तरीय बल के बराबर होता है। तो इसमें बताया गया कि जब भी कोई धारावाही चालक किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर जो समस्त चालक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक लारेंज बल आरोपित होने लगता है, और इन सभी सूक्ष्म स्तरीय बलों का जो परिणामी होता है उस चालक पर आरोपित होने वाले स्थूल स्तरीय बल के बराबर होता है। तो इसमें ये एक चालक लिया गया है, चालक पी क्यू, इसकी लंबाई है स्मॉल एल और इसका क्षेत्रफल होगा ए, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बनाई गई है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, यानी कि जो चालक दिया गया है ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। यहाँ पर चालक आपका पी क्यू है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और इसकी लंबाई जो है वो स्मॉल एल है। वही यहाँ पर लिखा गया है कि माना एल लंबाई तथा कैपिटल ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक चालक पी क्यू एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। तो यह बताया जा रहा है कि ये जो चालक एल लंबाई का चालक है और इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए, और ये चालक पी क्यू जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है।
इसमें आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित की गई, यानी कि इसमें जो है आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो, यानी कि जो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो जिस वेग से गति कर रहे हैं, यानी कि उनका अनुगमन वेग जो है वो VD है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो अगर उनका अनुगमन वेग VD है तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, इसके लिए सूत्र आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था, तो इसका सूत्र होता है I बराबर NEA VD। तो ये जो है विद्युत धारा का सूत्र हो जाएगा, ये तब लागू होता है जब चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है अनुगमन वेग VD से गति करते हैं, तो फिर इसका सूत्र होता है I बराबर NEA VD। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल, यानी कि जो चालक दिया गया है उसमें जो चालक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसमें से एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल, इसको हम लोग लिख देते हैं F' से। इसका सूत्र हो जाएगा E VD B sin थीटा। तो सूत्र होता है F बराबर, इसके पहले आपको बताया गया था सूत्र था F बराबर QVB और साइन थीटा, ये सूत्र बताया गया था F बराबर QVB sin थीटा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे Q आवेश था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश E लिखा गया है, V वेग था तो वहां पर अनुगमन वेग VD लिखा गया है, फिर B B हो गया चुंबकीय क्षेत्र और फिर साइन थीटा। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अभी हम लोगों ने चालक में केवल एक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल निकाला है, तो अब हम लोग पहले चालक का आयतन निकालेंगे। तो यहां पर चालक की लंबाई L है और क्षेत्रफल A है। तो अब चालक का आयतन, तो चालक का आयतन लिखेंगे क्षेत्रफल गुणे लंबाई, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा गया, फिर चूंकि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अगर मान लेते हैं n, तो हम लोगों का आयतन कितना दिया गया है al, तो इसलिए al आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी फिर nal, इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर सूत्र लिखा गया कि संपूर्ण धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, यानी कि जो धारावाही चालक दिया गया है उसमें संपूर्ण धारावाही यानी कि पूरे चालक पर चुंबकीय बल बराबर हो जाएगा फिर एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जो चालक दिया गया है उस संपूर्ण चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल जो होगा वो एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल और मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग चुंबकीय बल को लिख देते हैं कैपिटल F से, फिर इसके बाद बराबर एक चालक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित लारेंज बल, लारेंज बल को लिखा गया था भी एक इलेक्ट्रॉन पर F' से, फिर इंटू लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी लिखी गई है NaL, तो इसकी जगह पे हो जाएगा NaL। तो हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 से F' का मान रखेंगे, तो फिर ये हो जाएगा F बराबर F' का मान था E VD B sin थीटा, ये मान हो जाएगा F' का, फिर इंटू NaL, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे F बराबर यहाँ पे हो जाएगा N, ये लिखा गया है N, फिर इसके बाद E, फिर इसके बाद A और फिर इसके बाद VD, तो यहां पे लिख दिया गया है NEA और VD, इतना हो गया है। इसके बाद यहां पर बचा है भी आपका B और L, फिर आगे हो जाएगा साइन थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद अब समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 में अभी आपको बताया गया था धारा का मान I बराबर NEA VD, तो यहां पर यह आ गया है NEA VD और यही मान यहाँ पे समीकरण 1 में दिया गया है I बराबर NEA VD, यानी कि हम लोग NEA VD की जगह पे लिख सकते हैं I। तो फिर ये हो जाएगा F बराबर, इसकी जगह पे लिखेंगे I, फिर आगे हो जाएगा BL sin थीटा। तो ये धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल हो जाएगा, इसका सूत्र आ गया फिर F बराबर IBL sin थीटा,
यहाँ पर आई विद्युत धारा है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, एल चालक की लंबाई है, और साइन थीटा यानी कि जो थीटा दिया गया है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया चालक, वही कोण दिया गया है यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन लिखी गई, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, यानी कि अगर थीटा का मान 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री, तो उस समय जो चुंबकीय बल होगा वो मिनिमम होगा और उसका मान होगा 0। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया था साइन थीटा, अगर हम लोग थीटा की जगह पे 0 लिखेंगे तो साइन 0 का मान 0 होता है, गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग 180 लिखते हैं तो साइन 180 का मान भी 0 होता है, 0 का गुणा इस संख्या में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोण थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर 180 अंश हुआ तो उस समय जो आरोपित चुंबकीय बल होगा वो मिनिमम होगा और उसका मान होगा 0। इसके बाद दूसरी कंडीशन है थीटा बराबर 90 डिग्री, तो अगर थीटा का मान 90 हम लोग रखेंगे तो साइन 90 का मान होता है 1, और 1 का गुणा IBL में करेंगे तो वो आ जाएगा IBL। यानी कि जब 90 इंच होता है तो उस समय चुंबकीय बल का मान होता है मैक्सिमम, यानी कि एफ मैक्सिमम बराबर लिख सकते हैं IBL। तो इसका ये सूत्र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा गया है यदि थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 का मतलब है कि इस समय जो चालक होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, यानी कि अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस समय हम लोग चुंबकीय बल का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे एफ मैक्सिमम बराबर IBL। और इसके पहले जो ये कंडीशन बताई गई है आपको थीटा बराबर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री पर का मतलब है यहाँ पर जो चालक होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। तो अगर चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस समय जो चुंबकीय बल होगा वो मिनिमम होगा और इसका मान 0 होगा। इसके बाद दूसरा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल का निर्धारण, यानी कि अब की बार अगर दो चालक समांतर हैं और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच आरोपित होने वाले चुंबकीय बल का निर्धारण कैसे किया जाता है वो इसमें बताया जाएगा। तो इसमें ये दो चालक लिए गए हैं, इनकी लंबाई अनंत मान ली गई है, यहां पर एक चालक है आपका PQ और दूसरा चालक है RS। दोनों चालकों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है, और दोनों चालकों में से एक में धारा I1 और दूसरे में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए बनाया गया है क्रॉस, तो इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था आपको अगर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, और इस पॉइंट यानी डॉट का मतलब था कि यहां पर जो चुंबकीय बल होगा वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा, और इसका मतलब कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। तो सबसे पहले आपको यही लिखा गया यहाँ पर कि माना अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक PQ तथा RS हवा अथवा निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तथा इनमें क्रमशः I1 तथा I2 प्रबलता की विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, यानी कि दोनों चालक जो है हवा या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं और एक में धारा I1 और दूसरे में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है फिर चालक PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें ध्यान दीजिएगा लिखा गया है चालक PQ के कारण, यानी कि हम लोग इस चालक के कारण बिंदु M पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा फिर B1, पहला चालक है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे B1 बराबर हो जाएगा μ0/4π इंटू, इसके बाद सूत्र होता है 2I1/R। तो यहां पर जो सूत्र होता है वो I होता है, लेकिन यहाँ पे I1 लिखा गया क्योंकि पहले चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1, तो यहाँ पे लिख दिया गया फिर 2I1 और /R हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसके बाद लिखा गया फिर अब धारावाही चालक RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, यानी कि जो ये धारावाही चालक RS दिया गया है इसकी L लंबाई पर, इसकी लंबाई हम लोगों ने अनंत मान के लिए यहाँ पर, लेकिन अब माना जा रहा है कि L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, तो इसकी L लंबाई पर अगर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा फिर F बराबर चुंबकीय बल का सूत्र अभी हम लोगों ने ज्ञात किया है IBL sin थीटा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फिर F बराबर
आई टू, क्योंकि चालक आर एस लिया गया और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई टू, तो यहां पर हो जाएगा आई की जगह पे आई टू। चुंबक की क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी वन, क्योंकि पहले चालक के कारण प्रयोग कर रहे हैं और इसके बाद चालक की एल लंबाई पर यानी कि एल, और ये साइन 90 अंश, क्योंकि यहां पर जो बल आरोपित हो रहा है वो लंबवत आरोपित हो रहा है, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद यहां पर हो जाएगा फिर एफ बराबर, यहां पर हो जाएगा आई टू, यहां पर हम लोग बी वन का मान जो है समीकरण एक से लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे बी वन की जगह पे हो जाएगा म्यू जीरो बट्टे 4 पाई इंटू 2 I1 बट्टे आर, और इंटू में हो जाएगा एल, यहाँ पे साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये मान जो यहाँ पर बी वन का रखा गया है ये कहाँ से रखा गया, ये मान समीकरण एक से रखा गया है। तो अगर आप ये वाला एल इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा फिर एफ बट्टे एल बराबर म्यू जीरो 4 पाई 2 I1 I2 बट्टे आर, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा गया कि अतः प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, यानी कि जो लंबाई है अगर उसको हम लोग एकांक मान लें यानी कि एक मान लें, तो इस समय जो चुंबकीय बल आरोपित होगा वो हो जाएगा फिर एफ बराबर म्यू जीरो बट्टे 4 पाई, ये लिखा गया है म्यू जीरो बट्टे 4 पाई इंटू में हो जाएगा 2 I1 I2 और बट्टे में हो जाएगा आर, तो ये प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल हो जाएगा। अगर प्रति एकांक नहीं दिया गया है तो वहां पर जो ये एल है ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा एफ बट्टे एल, लेकिन यहां पर हमने प्रति एकांक लंबाई मान लिया है तो इस समय यहाँ पे लिखा गया फिर एफ और यहां पर एल का मान जो है वो 1 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मान लें समीकरण नंबर 3, तो अभी हम लोगों ने जो चुंबकीय बल ज्ञात किया है ये चालक पी क्यू के कारण ज्ञात किया गया है, तो अब हम लोग यही क्रिया आर एस के कारण ज्ञात करेंगे, यानी कि अगर चुंबकीय बल का मान जो है वो आर एस के कारण ज्ञात किया जाएगा तो फिर क्या होगा। तो यहां पे लिखा गया कि अब धारावाही चालक आर एस के कारण बिंदु एन पर, इस चालक में बिंदु लिया गया है एन पर, तो यहां पे हम लोगों ने लिखा है कि बिंदु एन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अब की बार चालक आर एस के कारण कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बी टू बराबर हो जाएगा म्यू जीरो बट्टे 4 पाई इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 I2, आर एस चालक में धारा जो प्रवाहित हो रही है वो है आई टू, इसके बाद बट्टे में हो जाएगा आर, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इसके बाद लिखा गया है फिर अब धारावाही चालक पी क्यू की एल लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, तो यहां पर भी वही सूत्र लगाएंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं कि बार एफ डैश, तो यहां पर पी क्यू की एल लंबाई पर, तो पी क्यू में धारा प्रवाहित हो रही है आई वन, किसके कारण निकाल रहे थे आर एस के कारण, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है बी टू, फिर इसके बाद एल लंबाई पर, तो यहां पर एल हो जाएगा, और फिर अब की बार भी लंबवत है तो यहां पर हो जाएगा साइन 90 अंश, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर हम लोग बी टू का मान रखेंगे म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू 2 I2 आर, तो ये जब मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा एफ डैश बराबर यहाँ पर आई वन, बी टू का मान हो जाएगा म्यू जीरो बट्टे 4 पाई इंटू 2 I2 बट्टे आर, और यहाँ पर हो जाएगा फिर एल साइन 90 का मान यहाँ पर फिर 1 रखेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद फिर यहाँ पर अतः प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, यानी कि अब की बार फिर यहाँ पर वही लिखा गया है प्रति एकांक लंबाई पर, अगर हम लोग एकांक लंबाई पर नहीं निकालेंगे तो फिर ये एल इधर आप लिख सकते हैं, तो एकांक लंबाई पर निकालने पर एल का मान 1 मान के चलते हैं, तो ये हो जाएगा फिर एफ डैश बराबर यहाँ पर लिखेंगे फिर म्यू जीरो बट्टे 4 पाई इंटू 2, इसके बाद ये आई वन इंटू आई टू और बट्टे में हो जाएगा आर, एल का मान यहाँ पर 1 मान लिया गया क्योंकि लिखा गया प्रति एकांक लंबाई पर, अगर आप इसका मान 1 नहीं मान के चलेंगे तो फिर इस समय जो एल होगा वो बट्टे में आ जाएगा इधर, तो इसको लिख सकते हैं फिर हम लोग एफ डैश बट्टे एल, लेकिन एक मान लिया गया इसलिए ये आ जाएगा फिर एफ डैश बराबर म्यू जीरो बट्टे 4 पाई 2 I1 I2 बट्टे आर, तो ये चालक आर एस के कारण हो जाएगा, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, इतना हो गया। अब इसके बाद समीकरण नंबर 3 व 5 से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए समीकरण 5 में इतना मान आया है, तो यहाँ पर ये यह दिया गया है समीकरण नंबर 3, यहाँ पर जो एफ का मान है वो है म्यू जीरो बट्टे 4 पाई 2 I1 I2 बट्टे आर, और यही मान समीकरण नंबर 5 में भी आया है।
ये यहाँ पर भी दिया गया कि एफ डैश बराबर म्यू जीरो बट्टे फोर पाई टू आई वन आई टू बट्टे आर। यानी कि समीकरण नंबर 3 व 5 से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ बराबर एफ डैश यानी कि दोनों जो धारावाही चालक थे उनके कारण आरोपित जो बल है प्रति एकांक लंबाई पर वो समान होता है एफ बराबर एफ डैश। इसके बाद यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिखे गए हैं। इसमें पहला ध्यान दीजिए, लिखा गया कि दोनों समांतर धारावाही चालक एक दूसरे की समान लंबाई पर समान चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। यानी कि जो दो समांतर धारावाही चालक लिए गए थे वो दोनों जो है एक दूसरे की समान लंबाई पर समान चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। इसके बाद दूसरा नोट पॉइंट है कि यदि दोनों चालकों में धारा की दिशा समान होने पर उनके बीच परस्पर आकर्षण परंतु धारा की दिशा विपरीत होने पर उनके बीच परस्पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि जो दोनों धारावाही चालक लिए गए हैं अगर उनमें धारा की दिशा जो है समान है तो उस समय उन पर आकर्षण बल आरोपित होता है, लेकिन अगर धारा की दिशा विपरीत है यानी कि धाराएं जो है वो अलग अलग दिशा में प्रवाहित हो रही है तो उस समय उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन, इसमें आज ये बताया जाएगा कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी बनावट क्या होती है और इसकी कार्यविधि क्या होती है और इसके सूत्र का निगमन भी बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन यानी कि कहते किसे हैं। तो इसमें दिया गया है कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होती है। यानी कि जो साइक्लोट्रॉन है वो एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग आवेशित कणों और आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार ईओ लॉरेंज का मतलब होता है अर्नेस्ट ओरलैंडो लॉरेंज तथा एम एस का मतलब यहां पर है मिल्टन स्टेनली लिविंगस्टन ने सन 1934 में नाभिकीय संरचना संबंधी शोध कार्यों में आवश्यक उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कणों को प्राप्त करने के लिए किया था। यानी कि इसका आविष्कार जो है 1934 में और वो किसने किया, लॉरेंज और लिविंगस्टन ने किया। और इसका कार्य क्या होता है, ये आवेशित कणों और आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर ये पूछा गया कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन वह युक्ति है जो आवेशित कणों और आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद है कार्य सिद्धांत, यानी कि साइक्लोट्रॉन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताया गया। तो इसमें दिया गया कि एक आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में से अनेक बार गुजार कर उसको अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। इसमें बताया गया कि कोई भी जो आवेशित कण होता है उसको वैद्युत क्षेत्र में से अनेक बार यानी कि कई बार जो है गुजारा जाता है जिससे अति ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। इसके बाद बताया गया कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यानी कि किस प्रकार होता है, तो ये बताया गया कि जो ये किया गया यानी कि एक आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में अनेक बार यानी कि कई बार गुजार कर उसको अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। ये कार्य जो है एक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है जो कि आवेशित कण को वृत्ति पथ में गति कराता है तथा कण की आवृत्ति पथ की त्रिज्या तथा कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब आप समझ गए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका मेन सिद्धांत है कि वैद्युत क्षेत्र के लंबवत कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। यानी कि जब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है तो उस समय जो साइक्लोट्रॉन होता है वो आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में से अनेक बार गुजार कर उसको अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। अब इसके बाद रचना यानी कि इसकी बनावट कैसी होती है, ये इसका बगल में चित्र बनाया गया है, ये साइक्लोट्रॉन होता है। तो इसमें दिया गया कि इसमें क्षैतिज अर्धवृत्ताकार अंग्रेजी के अक्षर डी की आकृति वाले धातु के दो खोखले कोष्ठ D1 व D2 होते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए ये डी के आकार के जो है दो कोष्ठ लिए गए, एक ये दिया गया और दूसरा ये दिया गया। ये पहला कोष्ठ D1 और दूसरा D2, ये अर्धवृत्ताकार होते हैं और अंग्रेजी के डी अक्षर की भांति होते हैं जिन्हें डीज कहते हैं। यानी कि इन दोनों कोष्ठों को डीज कहा जाता है। इन कोष्ठों के सीधे भाग खुले हुए
तथा एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, यानी कि इन दोनों के जो सीधे सिरे होते हैं वो खुले हुए होते हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। ये कोष्ठ लगभग 10^-6 मिलीमीटर पारे के दाब तक निर्वातित कर दिए जाते हैं ताकि आवेशित कणों अथवा आयनों का इसमें गति करते समय वायु के अणुओं से संघट ना हो। यानी कि जो ये दोनों कोष्ठ होते हैं लगभग 10^-6 मिलीमीटर दाब तक निर्वातित कर दिए जाते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो आवेशित कण और आयन होते हैं इनमें गति करते समय वायु के अणुओं से संघट ना हो सके, संघट का मतलब ये टकरा न सके। और इसके बाद है कोष्ठों के बीच उच्च आवृत्ति लगभग 10-15 MHz तथा उच्च परिमाण लगभग 10^5 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया जाता है। यानी कि जो दोनों कोष्ठ D1 और D2 दिए गए हैं उनके बीच जो है उच्च आवृत्ति और उच्च परिमाण का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा दिया जाता है। यह प्रकोष्ठ एक शक्तिशाली वैद्युत चुंबक के ध्रुवों N तथा S यानी कि नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच रखा होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये साइक्लोट्रॉन था, ये दोनों इसकी प्लेटें यानी कि D1 और D2 दोनों कोष्ठ हो गए। ये दोनों कोष्ठ यानी कि पूरा जो नियंत्रक रखा है वो N और S ध्रुवों के चुंबक वाले सिरों के बीच रखा होता है। ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, तो ये दो चुंबक लगाए गए और इन्हीं के मध्य रखा जाता है। इसके बाद वैद्युत चुंबक डीज के तलों के लंबवत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस प्रकार दोनों कोष्ठों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नियत तथा समरूप रहती है। इन डीज का संबंध उच्च आवृत्ति के दोलक के टर्मिनलों से होता है जिससे इनके बीच उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसके बाद जिन आवेशित कणों को त्वरित करना होता है उनको डीज के अंदर उनके केंद्र के निकट चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत तल में यश पर प्रवेश कराया जाता है। यश का मतलब समझ गए आप, यानी कि साउथ ध्रुव, ये चुंबक का ध्रुव दिया गया है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जिन आवेशित कणों को त्वरित करना होता है उनको डीज के अंदर उनके केंद्र से निकट चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत तल में यश पर प्रवेश कराया जाता है। त्वरित आवेशित कण ऋण आवेशित विक्षेपक प्लेट द्वारा, ऋण आवेशित विक्षेपक प्लेट ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ चित्र में ये दी गई विक्षेपक प्लेट यानी कि जो ये प्लेट लगी होती है इसको बोलते हैं विक्षेपक प्लेट और ये ऋण आवेशित होती है। तो ये दिया गया था कि त्वरित आवेशित कण ऋण आवेशित विक्षेपक प्लेट द्वारा इन डीज से बाहर खिड़की डब्लू का मतलब यहाँ पे खिड़की विंडो से है, तो विंडो के लिए W का प्रयोग कर दिया गया। तो ध्यान दीजिए फिर ये यहाँ पर खिड़की यानी कि विंडो लगी होती है, ये लिखा गया यहाँ पे W, तो ये यहाँ पर खिड़की होती है यानी कि विंडो से बाहर निकाल दिए जाते हैं जो लक्ष्य से टकराते रहते हैं, यानी कि वो खिड़की से बाहर निकल कर अपने लक्ष्य से टकराते हैं। इसके बाद कार्यविधि यानी कि साइक्लोट्रॉन कैसे कार्य करता है, तो इसमें दिया गया कि डीज के केंद्र के निकट प्रवेश करने वाले धन कण उस डीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उस क्षण ऋण विभव पर होती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो डीज के केंद्र के निकट प्रवेश करने वाले धन कण होते हैं वो उस डीज की ओर आकर्षित होते हैं, जितने भी धन कण होते हैं वो डीज की ओर आकर्षित होते हैं जो उस क्षण ऋण विभव पर होती है। यानी कि जब धन कण उसमें प्रवेश करते हैं उसके केंद्र के निकट, तो उस समय जो डीज जो है ऋणावेशित होती है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसके बाद लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये धन कण डीज के अंदर वृत्ताकार पथ पर चलने लगते हैं। तो यहां पर दिया गया लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये धन कण जो होते हैं डीज के अंदर वृत्ताकार पथ पर चलने लगते हैं। तो यहाँ पर ये लंबवत है और लंबवत के लिए आपको इसके पहले वाले में बताया गया था कण की गति, जब कोई कण लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार पथ प्रदान करता है। इसके बाद है आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा दोलित्र की आवृत्ति को
इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही कण डीज से बाहर निकलता है तो डीज की ध्रुवता बदल जाती है। यानी कि यह बताया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है और दोलित्र की जो आवृत्ति होती है इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जैसे ही कोई कण जो है डीज से बाहर निकलता है तो डीज की ध्रुवता बदल जाती है। ध्रुवता बदलने का मतलब होता है कि धन का ऋण अथवा ऋण का धन विभव हो जाता है। तो ध्रुवता बदलने का मतलब है कि अगर धन विभव है तो वो ऋण विभव हो जाएगा और अगर ऋण विभव है तो वो धन विभव हो जाएगा। इसका मतलब उसकी ध्रुवता बदल जाएगी। इससे कण पुनः त्वरित होता है तथा अधिक वेग से अधिक बड़ी त्रिज्या के मार्ग में चलता है। यानी कि जब उसकी ध्रुवता बदल जाती है तो कण जो होता है वो पुनः त्वरित हो जाता है और अधिक वेग और बड़ी त्रिज्या के मार्ग पर चलता है। यह घटना बार बार दोहराई जाती है जब तक कि कम डीज की परिधि के निकट विक्षेपक प्लेट तक नहीं पहुंच जाता, जिसके द्वारा खिड़की W से लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है। यानी कि ये क्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कण जो है डीज की परिधि के निकट विक्षेपक प्लेट तक नहीं पहुंच जाएगा और पहुंचते ही वो खिड़की विंडो यानी कि W से लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है। जैसा आप लोग यहाँ पे चित्र में ध्यान दीजिए, ये पथ बनाया गया, यहाँ पर जो है वृत्ताकार पथ जो है छोटा है, बाद में ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब वो विक्षेपक प्लेट की ओर आ जाता है और वहां से W की ओर विक्षेपित कर दिया जाएगा अपने लक्ष्य पर। अब इसके बाद सूत्र का निगमन, यानी कि हम लोग साइक्लोट्रॉन के सूत्र का निगमन करेंगे। तो इसमें लिखा गया पहले माना m द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m द्रव्यमान तथा प्लस q आवेश वाला एक आयन बिंदु यस से उस समय निकलता है जब गोष्ठ D2 ऋणात्मक विभव पर होता है। यानी कि इसमें ये माना गया है कि एक m द्रव्यमान और प्लस q आवेश वाला जो एक आयन होता है वो बिंदु यस से उस समय निकलता है जब कोष्ठ D2 जो है ऋणात्मक विभव पर होता है। यदि दोनों कोष्ठों के बीच विभवांतर कैपिटल V है तो आयन Q गुणे V ऊर्जा ग्रहण करके माना स्मॉल V वेग से कोष्ठ D2 में प्रवेश करता है। कोष्ठों की दीवारें धात्विक होने के कारण कोष्ठों के अंदर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। तो कोष्ठ की जो दीवारें होती हैं वो धात्विक होती हैं, इसलिए उसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो अनुपस्थित होता है तथा वैद्युत क्षेत्र केवल कोष्ठों के बीच के स्थान में उपस्थित रहता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो दोनों कोष्ठों के बीच में स्थान बीच के रिक्त स्थान में उपस्थित होता है। अतः कोष्ठ D2 में आवेशित कण केवल समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्व दिशा में तथा आवेशित कण का वेग क्षैतिज दिशा में होने के कारण आवेशित कण नियत चाल स्मॉल v से r त्रिज्या का क्षैतिज वृत्तीय पथ ग्रहण करता है। तो जब आवेशित कण नियत चाल यानी कि स्मॉल v से r त्रिज्या का क्षैतिज वृत्तीय पथ ग्रहण करता है तो उसे वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल जो है वो अभिकेंद्र बल से प्राप्त होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं QVB बराबर MV² / R। तो ये यहाँ पर चुंबकीय बल हो जाएगा, ये लंबवत प्रवेश करता है इसलिए QVB sin θ की जगह हम लोग sin 90 लिखेंगे, उसका मान 1 हो जाएगा। और ये अभिकेंद्र बल हो जाएगा तो MV² / R, यानी कि उसको वृत्ति पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो चुंबकीय बल के बराबर होगा उस समय। तो ये हो गया। अगर यहां से हम लोग वी से वी कैंसिल कर दे और आर का मान ज्ञात करेंगे तो फिर ये हो जाएगा MV और बट्टे में हो जाएगा QB, यानी कि जो वृत्ति पथ की त्रिज्या होगी वो होगी MV/QB। इसके बाद अर्धवृत्ति पथ पार करने में कण द्वारा लिया गया समय, तो ध्यान दीजिए समय निकालने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं दूरी/चाल। ये सूत्र होता है समय ज्ञात करने के लिए दूरी/चाल। तो यहां पर दिया गया है अर्धवृत्ति यानी कि कण जो चाल दूरी तय करता है वो आधे वृत्त के बराबर तय करता है, अर्धवृत्ति है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समय बराबर अर्धवृत्त की परिधि यानी कि आधे वृत्त की जो परिधि है और बटे चाल। तो ये हो जाएगा फिर टी बराबर अर्धवृत्त की परिधि का मतलब हो जाएगा πr। संपूर्ण परिधि होती है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी πr और बटे में हो जाएगा v। इतना हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फिर टी बराबर
पाई, यहां पर हम लोग आर का मान रखेंगे जो अभी ज्ञात किया गया था, तो वो मान था एम वी बटे क्यू बी, और बटे में हो जाएगा स्मॉल वी, यहां पे वी से वी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आएगा पाई एम, और बट्टे में हो जाएगा क्यू बी, यानी कि जो समय आएगा वो हो जाएगा पाई एम बट्टे क्यू बी, तो ये समय हो जाएगा। तो इस सूत्र में आप ध्यान दीजिए, यहां पर कहीं भी चाल का जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि टी बराबर आया है पाई एम क्यू बी, एम द्रव्यमान है, क्यू आवेश है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें कहीं भी वी नहीं आया है, यानी कि कण की चाल नहीं है, तो समय जो है कण की चाल पर निर्भर नहीं है, इसका मतलब जो समय होता है वो कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है, तो अतः यह समय कण की चाल पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात एक डीज से दूसरे डीज में जाने पर कण की चाल वृत्ति पथ की त्रिज्या बढ़ने पर बढ़ती है, यानी कि जब एक डीज से दूसरे डीज में कण प्रवेश करता है तो उस समय उसकी चाल जो है वृत्ति पथ की त्रिज्या बढ़ने से बढ़ती है, परंतु प्रत्येक डीज में समान समय लेता है, और वो प्रत्येक डीज में है जो है समान समय समान लेता है। इसके बाद आवेशित कणों की अधिकतम ऊर्जा है, यानी कि जो आवेशित कण है उनकी अधिकतम ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, माना साइक्लोट्रॉन के वृत्ति कोष्ठों की त्रिज्या कैपिटल आर है, यदि आयनों द्वारा ग्रहण किया गया अधिकतम वेग वी मैक्सिमम हो, तो ध्यान दीजिए अभी हम लोगों ने सूत्र प्रयोग किया था बी क्यू वी बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर, तो यहां पर त्रिज्या की बार है कैपिटल आर, और जो वेग है वो अधिकतम है, तो इसकी जगह पे आपको लिख देना है मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम लिख देंगे और यहां पर भी मैक्सिमम लिख देंगे, तो यहां पर एक वी मैक्सिमम जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग वी मैक्स का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि वी मैक्सिमम का मान ज्ञात करेंगे, तो आर जो है इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू बी और आर, और बट्टे में हो जाएगा यहां पर एम, ये वेग आ गया। अब इसके बाद अतः आयन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा फिर अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसलिए यहां पे लिखेंगे ई मैक्सिमम बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहां पर हो जाएगा वी मैक्सिमम स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे ई मैक्सिमम बराबर एक बट्टे दो एम, इसके बाद वी मैक्सिमम स्क्वायर दिया है, तो यहां पर इसका मान रखेंगे वी मैक्सिमम का, तो ये हो जाएगा क्यू बी आर बट्टे एम का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर ई मैक्सिमम बराबर एक बट्टे दो एम गुणे इसका वर्क करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और बट्टे एम स्क्वायर, तो यहां पर ये यम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आएगा ई मैक्सिमम बराबर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा टू एम, तो ये आयन द्वारा अर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद एक नोट पॉइंट दिया गया है कि साइक्लोट्रॉन से अर्जित होकर बाहर निकलने वाले आवेशित कणों की ऊर्जा कुछ करोड़ इलेक्ट्रॉन कोटि की होती है, अतः साइक्लोट्रॉन उच्च ऊर्जा कणों का वोल्टेज स्रोत है। टॉपिक है एम्पियर का परिपथी नियम, यानी कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, तो देखिएगा इसमें किसी बंद वक्र के परतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, या फिर इसको बोलते हैं रेखा समाकलन, उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू जीरो गुना होता है, जहां म्यू जीरो निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, और इसको हम लोग गणितीय रूप में लिखेंगे, तो ये निशान बना, इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे कैपिटल बी दिया गया यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, फिर डी एल रेखा समाकलन कर रहे हैं इसलिए लंबाई का अंतरिक्ष लिया गया है, और बराबर हो गया है म्यू जीरो आई, तो यही लिखा गया है कि किसी बंद वक्र के परतः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बंद वक्र के परतः दिया गया है, तो किसी बंद वक्र के परतः जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसका रेखीय समाकलन, यानी कि ये लगा है सरफेस इंटीग्रेशन, और डी एल लिखा गया यानी कि लंबाई, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन जो होता है उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से जो धारा गुजरती है उसका म्यू जीरो गुना होता है,
और यहाँ पर ये जो म्यू जीरो है इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। अब इसके बाद हम लोग इस सूत्र का निगमन करेंगे। तो इसमें हेडिंग डाल देगी उपपत्ति। तो इसमें माना एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार कागज के तल के लंबवत स्थित है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये यहाँ पर एक लंबा सीधा धारावाही चालक दिया गया है जिसमें आई प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। माना आर त्रिज्या का एक वृत्ती पथ है और इसमें आर त्रिज्या का ये एक वृत्ती पथ दिया गया है जिसका केंद्र ओ तार पर है। यानी कि यहाँ पर एक ये सीधा धारावाही चालक तार लिया गया है और इसमें वृत्ती पथ दिया गया है जिसकी त्रिज्या है आर और इस चालक तार का केंद्र जो है वो ओ पर है। इसके बाद बायो सेवर्ट के नियमानुसार इस धारावाही चालक के कारण इससे आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, यानी कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार जो है हम लोग इसके केंद्र से जो है आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग इस चित्र में, यहां पर बिंदु पी लिया गया है। बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखानी है आपको। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई और जिस दिशा में स्पर्श रेखा होगी उसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। और चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है वो वृत्ति पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पर जो वृत्ति पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो सदिश बी ये और डीएल, यहाँ पर दोनों जो है एक ही दिशा में लिए गए। तो ध्यान दीजिए दोनों की दिशा जो है एक ही और दोनों की दिशा एक ही होने के कारण इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। तो यहाँ हम लोग आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो आई बट्टे में हो जाएगा 2 पाई आर, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का वृत्ताकार पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन के लिए यहाँ पे लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी और रेखा समाकलन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हो जाएगा डीएल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी और डीएल दोनों की दिशा जो है वो समान है। तो दोनों की दिशा जब समान है तो इसको आप लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन बी टीएल कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पे आप लिख सकते हो बी सरफेस इंटीग्रेशन डी एल कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान रखेंगे म्यू जीरो आई बट्टे 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ पे रेखीय समाकलन डीएल, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिए रेखीय समाकलन डीएल इसका जो मान होता है, इसका मान होता है 2 पाई आर क्योंकि ये वृत्तीय पथ की लंबाई के अनुसार लिखेंगे तो वृत्तीय पथ की लंबाई यानी कि उसकी परिधि के बराबर होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिखा गया है रेखीय समाकलन यानी कि डीएल, तो पूरी लंबाई यानी कि संपूर्ण लंबाई लिखनी है तो संपूर्ण लंबाई जो होगी वृत्ति पथ की वो होगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे जब मान रखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई बटे 2 पाई आर और इनटू में सरफेस इंटीग्रेशन डीएल का मान लिखेंगे 2 पाई आर, तो यहाँ पर 2 पाई आर से 2 पाई आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और इसको लिखेंगे सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल और बराबर में आया है म्यू जीरो आई, यही एम्पियर का नियम होता है। इसके बाद है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार धारावाही कुंडली पर बल युग्म। तो पहले इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए, तो ये एक आयताकार कुंडली हो गई पी क्यू आर एस, तो ये एक आयताकार कुंडली है, इसका जो समान चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बी होगा, इसकी चौड़ाई हम लोग मान लेंगे बी और लंबाई इसकी मान लेंगे एल, यानी कि आयताकार जो
कुंडली है, इसकी लंबाई स्मॉल एल मान लेंगे और चौड़ाई मान लेंगे स्मॉल बी। इसके बाद इस कुंडली में जो है आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और इस कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है ऊर्ध्वाधरता लटकाया गया है। तो इसमें लिखा गया कि माना एक आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में चित्र की भांति ऊर्ध्वाधर लटकाया गया है तथा इस कुंडली की प्रत्येक भुजा में आई प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली की लंबाई स्मॉल एल और चौड़ाई बी है। इसके बाद इस कुंडली में जो भुजा है एक पी एस और दूसरी है क्यू आर, इन पर जो चुंबकीय बल का परिमाण होता है वो समान होता है परंतु इसमें दिशा जो है वो विपरीत है। इसमें ध्यान दीजिए दिशा पी से एस की ओर और इसमें दिशा आर से क्यू की ओर। तो बल के परिमाण तो समान होते हैं परंतु जो दिशाएं होती हैं उनकी वो विपरीत होती हैं, इस कारण वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इसमें यही लिखा जाएगा कि भुजाओं पी एस तथा क्यू आर पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत एवं क्रिया रेखाएं परस्पर संपाती होने के कारण वे एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इसके बाद इस कुंडली की जो भुजा पी क्यू और आर एस है इन दोनों पर आरोपित जो बल का परिमाण होता है वो समान होता है और दिशा भी विपरीत होती है लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं जो है वो संपाती नहीं होती है। तो इसमें लिखेंगे फिर भुजाओं पी क्यू तथा आर एस पर आरोपित होने वाले चुंबकीय बल ब्रैकेट में लिखा गया एफ बराबर आई बी एल साइन 90 अंश परिमाण में समान दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से दिशा में विपरीत है, यानी कि परिमाण में तो समान है लेकिन दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार वो दिशा में विपरीत है। इनकी क्रिया रेखाएं परस्पर संपाती न होने के कारण ये मिलकर एक बलयुग्म बना लेते हैं जिससे विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं, जिससे कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रतः घूर्णन करने लगती है। यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है। तो यहां पर आप लोग फिगर में ध्यान दीजिए, इस कुंडली का जो ये भाग दिया गया है मध्य वाला, यही भाग यहां पर ये अलग बना दिया गया है। एक बल ये आपका आरोपित हो रहा था एफ और दूसरा ये बल आरोपित हो रहा, तो यही अलग बना दिया गया, ये भाग हो गया एफ और एक बल इधर आरोपित हो रहा है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया गया बी। तो ये मान लिया गया कि ये जो अक्ष है ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, तो ये कोण थीटा है तो यहां भी ये थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद सूत्र होता है आयताकार कुंडली पर आरोपित बल युग्म बराबर एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी, यानी कि बलयुग्म बराबर होता है एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो बलयुग्म को लिखते हैं टाऊ से, बराबर हो जाएगा एक बल यानी कि कैपिटल एफ फिर इनटू दोनों बलों के बीच की दूरी। तो ये आपका पहला बल और ये दूसरा बल, दोनों बलों के बीच की दूरी आप लिख सकते हैं एम एल। तो यहां पर आ जाएगा एम एल, तो टाउ बलयुग्म हो जाएगा, एफ एक बल का परिमाण हो जाएगा और एम एल दोनों बलों के बीच की दूरी हो जाएगी। तो इसके बाद ये हो जाएगा फिर टाउ बराबर एफ, यहां पर एफ बराबर लिखेंगे आई बी एल साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों बल जो है लंबवत कार्य करते हैं, ये एफ का मान हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटू एम एल, तो अब आपको यहां पर एम एल ज्ञात करना है। तो अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, यहां पे आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, तो यहां पर समकोण त्रिभुज लेंगे एन एल और एम, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा एन एल और एम। तो इसमें ये कोण दिया गया थीटा, तो यहां पर हम लोग ज्ञात करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये कोण दिया गया थीटा, तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी कि लंब हो जाएगा एम एल बटे कर्ण, कर्ण हो जाएगा एम एन, ये इतना हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं
ML बट्टे, यहां पर ध्यान दीजिए ये लिखा गया है MN, MN यानी कि ये वाला भाग हुआ यहां से लेके यहां तक, और बताया गया था कि आयताकार कुंडली की चौड़ाई माना B, यानी कि इस भाग की जो लंबाई होगी वो होगी B। तो आप यहां पर जो ये MN दिया गया है, इस भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी? B, क्योंकि आयताकार कुंडली की चौड़ाई जो थी वो B थी, और ये यही भाग जो है ये बाहर बनाया गया है, तो इसकी चौड़ाई यानी कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? B। तो यहां पर MN का मान हो जाएगा B। तो अगर यहां से हम लोग ML ज्ञात करेंगे तो B का गुणा हो जाएगा इधर साइन में, तो ये आ जाएगा फिर ML बराबर B sin θ। तो अब ML की जगह पे हम लोग लिखेंगे B sin θ, तो यहां पर ML की जगह पे आ जाएगा B sin θ, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखेंगे टाउ बराबर IL, ये हो गया, फिर इनटू में लिखेंगे B, इतना हो जाएगा। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र B sin 90 का मान हो जाएगा 1, और इसके बाद फिर लिखेंगे sin θ। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले लिखा गया है I, फिर लिख दिया गया है L, फिर इनटू में लिख दिया गया है B, और फिर यहाँ पे आ गया चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B और sin θ। इसके बाद ये हो जाएगा फिर टाउ बराबर I, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई गुणे चौड़ाई को हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल यानी कि A, फिर हो जाएगा B, और आगे हो जाएगा sin θ, यानी कि यहां पे जो है L इंटू B बराबर लिखा गया है A, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल, तो वही यहां पर इसका मान लिख दिया गया है। इसके बाद यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो अगर फेरों की संख्या N होगी तो ये जो सूत्र आया था टाउ बराबर IAB sin θ, इसको आप लिख सकते हैं टाउ बराबर NIAB sin θ। तो ये आयताकार धारावाही कुंडली पर बलयुग्म का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है? इसके पहले जब आपको वैद्युत पढ़ाया गया था तो वहां पर था वैद्युत द्विध्रुव, और ये चुंबकत्व तो है, तो यहां पर है चुंबकीय द्विध्रुव, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिससे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह बलयुग्म का अनुभव करती है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव जो है वह एक ऐसी युक्ति होती है जिससे जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जैसे कि आयताकार एवं वृत्ताकार धारावाही कुंडली तथा दंड चुंबक आदि। अभी आयताकार कुंडली पर बलयुग्म आपको दिखाया गया है, तो उसी प्रकार जब किसी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को रखते हैं तो वह बलयुग्म का अनुभव करने लगते हैं। इसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक के ध्रुव प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो चुंबक की ध्रुव प्रबलता और प्रभावी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर एक चुंबक लिया गया है, इसमें प्रभावी लंबाई है 2L, और इसमें m इसकी ध्रुव प्रबलता हो जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पे स्मॉल m लिखा गया है, स्मॉल m से लिखते हैं ध्रुव प्रबलता को, और कैपिटल m से लिखा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। तो सूत्र हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर ध्रुव प्रबलता गुणे प्रभावी लंबाई। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को लिखेंगे कैपिटल m से, ध्रुव प्रबलता हो जाएगी स्मॉल m, और प्रभावी लंबाई हो जाएगी 2L। अगर इसको आप सदिश रूप में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा सदिश m बराबर m इंटू 2L, ये इतना हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद अतः आरोपित बलयुग्म, तो बलयुग्म का सूत्र अभी आपको बताया गया था टाउ बराबर NIAB sin θ, इतना हो जाएगा, और सूत्र होता है m बराबर NIA, ये आप लोग याद रखिएगा, कैपिटल M बराबर होता है NIA। तो अगर यहां पर हम लोग NIA की जगह पे लिख सकते हैं कैपिटल M, तो ये सूत्र बन जाएगा फिर टाउ बराबर यहां पर NIA की जगह पे लिख देंगे M, आगे हो जाएगा B sin θ, तो फिर ये सूत्र आ गया टाउ बराबर MB sin θ। इसको हम लोग सदिश रूप में लिखेंगे तो फिर ये हो जाएगा टाउ बराबर M cross B, ये सदिश रूप में आरोपित बलयुग्म का सूत्र हो जाएगा।
इसके बाद एम का मात्रक, एम यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो इसके मात्रक के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया था आई इंटू ए, आई यानी कि एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा और ए यानी कि क्षेत्रफल इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो एम का मात्रक बन जाएगा फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर। और अगर इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र एम स्क्वायर यानी कि इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, और एम्पियर दिया गया इसका विमीय सूत्र होता है ए, तो ये हो जाएगा फिर एल स्क्वायर ए। पहला क्वेश्चन है इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक लिखिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो इसमें पहला मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसके अलावा दूसरा मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा होता है टेस्ला और चौथा होता है गॉस। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बी के जो है यहाँ पर चार मात्रक दिए गए हैं, पहला है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला और चौथा होता है गॉस। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि धारावाही वृत्ताकार खंड के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर दिया गया धारावाही वृत्ताकार खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका सूत्र होता है कैपिटल बी बराबर म्यू जीरो बट्टे फोर पाई इंटू आई बट्टे ए इंटू अल्फा। यहाँ पर जो आई है वो वृत्तखंड में प्रवाहित धारा है, ए वृत्तखंड की त्रिज्या है और अल्फा वृत्तखंड द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण होता है। यानी कि जो सूत्र दिया गया है इसमें आई धारा है, ए वृत्तखंड की त्रिज्या है और अल्फा जो होता है वो वृत्तखंड के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित कोण होता है। और यहाँ पर ये जो दिया गया है म्यू जीरो बटे फोर पाई, इसका मान होता है 10^-7। तो इस सूत्र को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, यानी कि बी बराबर इसकी जगह पे लिख सकते हैं 10^-7 आई बट्टे ए और इंटू हो जाएगा अल्फा। तो ये सूत्र इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एक धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, यानी कि जो धारा मापी होती है इसको वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है। तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर धारा मापी वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जब श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो उस समय धारा मापी जो होती है वो वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद चौथा दिया गया कारण सहित बताइए कि धारा मापी अपने वास्तविक रूप में धारा मापने के लिए क्यों प्रयुक्त नहीं होता है। यानी कि ये बताना है आपको कारण सहित कि धारा मापी जो है अपने वास्तविक रूप में धारा मापने के लिए क्यों प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसका आंसर है क्योंकि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, यानी कि जो धारा मापी होती है इसकी कुंडली का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए धारा मापी अपनी कुंडली के अधिकतम संभव विक्षेप के संगत सीमित धारा को ही नाप सकता है। यानी कि धारा मापी की कुंडली का प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होने के कारण यह अपनी कुंडली के अधिकतम संभव विक्षेप के संगत ही सीमित धारा को नाप सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि चुंबकीय द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। यहाँ पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है, तो इसका सूत्र होता है बी बराबर 10^-7 टू एम बटे आर क्यूब। तो यहाँ पर एम जो है चुंबकीय आघूर्ण होता है और आर जो है चुंबक के केंद्र से चुंबकीय क्षेत्र की दूरी होती है। आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि बी बराबर 10^-7 की जगह पे लिखा जा सकता है म्यू जीरो बट्टे फोर पाई इंटू टू एम बट्टे आर क्यूब। तो ये सूत्र आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू जीरो बट्टे फोर पाई का मान होता है 10^-7 और इसका मात्रक यहाँ पे लिख दिया गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हैं, यानी कि विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विशिष्ट आवेश का सूत्र दिया गया है विशिष्ट आवेश बराबर होता है आवेश बट्टे द्रव्यमान। तो इसके लिए आपको परिभाषा बनानी बताया हमने इसके पहले वाले वीडियो में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है आवेश बट्टे द्रव्यमान। तो आवेश बट्टे द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर आवेश और द्रव्यमान में अनुपात दिया गया, तो आप बता सकते हैं कि आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। तो इसको लिखा गया है कि किसी आवेशित कण पर उपस्थित आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात उस आवेशित कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया किसी चुंबकीय क्षेत्र में
गतिमान किसी आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो है गतिमान आवेशित कण की चाल क्यों नहीं बदलती है। तो इसका उत्तर है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्यरत बल की दिशा सदैव उसके वेग की दिशा के लंबवत रहती है, यानी कि गतिमान आवेशित कण जो होता है उस पर कार्यरत बल की दिशा जो है सदैव उसकी वेग की दिशा के लंबवत रहती है, जिससे उस पर कोई कार्य न किए जाने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा नियत रहती है, अर्थात कण की चाल नहीं बदलती। यानी कि जब गतिज ऊर्जा नियत रहेगी तो कण की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोई तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि जिस तार में धारा प्रवाहित होती है वो कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। अगर हम लोग किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर कितना बल लगेगा। न्यूट्रॉन जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है शून्य होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश का मान हो जाएगा शून्य और वो लंबवत प्रवेश करता है, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। तो पूछा गया कितना बल लगेगा, यानी कि आपको एफ का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, ये सूत्र होता है। तो एफ बराबर क्यू का मान हो जाएगा 0, वी इंटू बी इंटू साइन थीटा की जगह पे हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे फिर एफ बराबर 0 गुड़े वी बी गुड़े साइन 90 का मान होता है 1, और 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये एफ बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करने पर उसका मान शून्य हो जाता है, यानी कि कोई बल नहीं लगेगा, न्यूट्रॉन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा क्योंकि उस पर आवेश जो है शून्य था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया है कि एक ही संवेग के प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन को बारी बारी से एक समचुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराया जाता है, उनके वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो एक प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो प्रोटॉन की त्रिज्या मान लेते हैं आर पी और न्यूट्रॉन की त्रिज्या मान लेते हैं आर डी, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है आपको, यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसके बाद इसमें दिया गया कि एक ही संवेग, संवेग यानी कि समान है, तो आप लिख देना कि माना समान संवेग बराबर P, यानी कि दोनों का संवेग जो है वो मान लिया गया P। इसके बाद लिखा गया कि के प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को बारी बारी से एक समचुंबकीय क्षेत्र, दोनों का समान चुंबकीय क्षेत्र B, इतना हो गया। तो यहां पर हम लोगों को त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना, तो एक सूत्र होता है R बराबर एम वी अपान क्यू बी, ये सूत्र होता है त्रिज्या का जब लंबवत प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन, तब ये सूत्र लगता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहला था प्रोटॉन, जब प्रोटॉन के लिए सूत्र लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर आर पी बराबर एम, यहाँ पे वी वेग हो जाएगा, इसके बाद आवेश क्यू और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बी। तो यहां पर दिया गया है एम इंटू वी और एम इंटू वी बराबर होता है पी, यानी कि संवेग। तो इसको आप लिख सकते हैं आर पी बराबर पी बटे क्यू बी, इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसके बाद जब न्यूट्रॉन के लिए सूत्र लिखेंगे तो फिर वो हो जाएगा आर डी बराबर, उसमें भी यही आएगा पी बटे क्यू बी, उसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे तो फिर ये आएगा आर पी बटे आर डी बराबर, यहां पर ध्यान दीजिए पी से पी कैंसिल होगा, क्यू बी से क्यू बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1। यानी कि जब दोनों का अनुपात लिखेंगे तो फिर ये लिखेंगे आर पी अनुपात आर डी बराबर 1:1, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर